हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गुजरात नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत, 1967 सीटों के साथ बनी नंबर एक पार्टी। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के पास केवल 356 सीटें आई, आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 9 सीटें। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 735 पंचायतों में जीत हासिल की, कांग्रेस सिर्फ 157 और आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत पाई। गुजरात में बीजेपी की एक और बड़ी जीत से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी, ट्वीट करके जनता का आभार जताया। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव में जीत पर खुशी जताई, कहा मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस के 5 विधायकों के बेटों को मिली करारी हार, बीटीपी के अध्यक्ष छोटू बसावा के बेटे भी नहीं दिखा पाए कोई कमाल। गुजरात में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दिया, नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने भी पद छोड़ा। गोधरा में ओवैसी की पार्टी का मास्टर स्ट्रोक, 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, एआईएमएम के खाते में 7 सीटें आई। भरूच में भी एआईएमएम का खाता खुला, 6 में से 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी अपने जीत हासिल की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मालदा में रैली की, ममता पर लगाया जय श्री राम से लेकर दुर्गा पूजा पर पाबंदी का आरोप। योगी ने कहा बंगाल में जय श्री राम और दुर्गा पूजा पर लगाई जाती है पाबंदी। योगी बोले अराजकता फैलाने वालों के साथ टीएमसी की दोस्ती। कांग्रेस के बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन पर बीजेपी का हल्ला बोल, अपवित्र गठबंधन बताया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा हाशिए पर जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को दिलीप घोष का ऑफर, अगर सम्मान न मिले तो सभी दरवाजे खुले। हुगली में टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन की, दिलीप घोष ने दिलाई सदस्यता। ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले की जांच एनआईए करेगी, मुर्शिदाबाद में हुआ था हमला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, बंगाल में रहने वाले बिहार के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। प्रशांत किशोर पर बीजेपी का निशाना, कहा चुनाव से पहले ही ममता का साथ छोड़कर कैप्टन अमरिंदर का साथ थामा। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, किसानों ने फसल और हल देकर सम्मान किया। जेपी नड्डा का गहलोत सरकार पर हमला, कहा राजस्थान में कमल खिलाने का समय आ गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा चुनावों में सांप्रदायिक वोट बैंक वाले और विकास वालों के बीच है टक्कर। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की सफाई, कहा सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। आनंद शर्मा ने पॉलिटिकल डायलॉग की वकालत की, कहा वैचारिक मतभेद के लिए भी डायलॉग जरूर। अभिषेक मनु सिंघवी ने पीरजादा की पार्टी को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया, कहा सीटों का कोटा पूरा हो चुका है। मिशन असम पर प्रियंका गांधी, सधारू के चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ी। असम में प्रियंका गांधी ने किए कई वादे, कहा कांग्रेस सरकार बनने पर सीएए लागू नहीं हो पाएगा। प्रियंका बोली जीतने पर 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। घरेलू महिलाओं के लिए प्रियंका का वादा, कहा हर महीने 2000 रुपए का गृहिणी सम्मान मिलेगा। प्रियंका का विपक्ष पर वार, कहा आजकल असम में नेता चीन और जापान की चाय पीते हैं, उन्हें असम की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर ने प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर एतराज जताया, दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद का पुतला जलाया, निजी फायदा उठाने की कोशिश करो। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर बरसे मनमोहन सिंह, कहा बिना सोचे समझे नोटबंदी करने से संकट चरम पर है। महाराष्ट्र विधानसभा में सेलिब्रिटीज ट्वीट का मुद्दा उठा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा सरकार शर्जील उस्मान का समर्थन करती है लेकिन भारत रत्न पर कार्रवाई करेगी। अनिल देशमुख ने फडणवीस को जवाब दिया, कहा कार्रवाई नहीं की थी, केवल एक पार्टी का आईटी सेल की जांच की। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ और पिता की हत्या से हड़कंप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया। पीड़ित लड़की ने एसपी नेता गौरव शर्मा पर लगाया हत्या का आरोप, कहा छेड़खानी का केस वापस लेने का दबाव डाल रहा था। हाथरस की पीड़ित लड़की ने मांगा इंसाफ, कहा केस वापस लेने पर इनकार किया तो मेरे पिता को गोली मारी। हाथरस में 2018 में आरोपी पर छेड़खानी का केस दर्ज हुआ था, 1 महीने जेल में रहने के बाद आरोपी बाहर आया था। अखिलेश यादव ने हाथरस कांड के बहाने योगी को निशाने पर लिया, कहा हाथरस की बेटी रो रही है और बंगाल दौरे पर है यूपी के सीएम। 6 मार्च को दिल्ली बॉर्डर के पास किसान आंदोलन का 100वां दिन, किसान केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकेबंदी करेंगे। चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ अपील करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, 12 मार्च को कोलकाता में किसान रैली होगी। गोरेगांव में अजय देवगन की कार रोकने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, किसानों के खिलाफ ट्वीट को लेकर थी नाराजगी। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर फिर बंद किया NH9, 1 लेन खोले जाने के बाद लोगों को मिली थी कुछ राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने मैरिटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, कहा भारतीय तटों पर के आसपास पर्यटन विकसित करने की योजना। भारत ने पाकिस्तान को UNHRC में जमकर लताड़ा, जम्मू कश्मीर के मामले में टांग अड़ाने के लिए OIC को भी दिया जवाब। साइबर अटैक पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बयान, कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान, कहा चीन और पाकिस्तान से साइबर अटैक का सबूत नहीं। महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर नितिन राउत भी मामले में कूदे, कहा बुधवार को असेंबली में सारी रिपोर्ट रखूंगा। GST इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी का मामला, दिल्ली में करीब 39 करोड़ की फ्रॉड करने वाला आरोपी गिरफ्तार। नासिक में एक बिल्डर के घर के बाहर एक गेंद में गन पाउडर मिला, पुलिस जांच में जुटी। लोनावला थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। MP के बजट पर बोले शिवराज सिंह चौहान, बजट में 22% की बढ़ोतरी। पूर्व CM कमलनाथ ने बजट पर दुख जताया, कहा CM आत्मनिर्भर बीजेपी की बात कर रहे हैं। WHO फिर भारत की तारीफ की, कहा भारत ने दिखाई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने की ताकत। देश में अब तक 1,48,00,000 लोगों को टीके लगे, 45 साल से ज्यादा के 2,08,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कोरोना का टीका लगवाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,836 नए मामले, 24 घंटे में 54 मौतें। प्रधानमंत्री की वैक्सीनेशन के लेने के बाद मुंबई के कई सेंटर्स में उमड़ी भीड़। दिल्ली में कोरोना के 217 नए मामले, 24 घंटे में 78 मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 105 नए केस, 98 मरीज डिस्चार्ज। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल के हॉस्टल में 54 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश के एक मठ में 154 बौद्ध भिक्षुओं को कोरोना हुआ, एक की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोविड सेंटर में महिला से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया। दुनिया में कोरोना के 11,51,00,000 से ज्यादा मामले, अब तक 25,52,000 से ज्यादा मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा बयान, कहा कोरोना के जल्द खत्म होने की बात अभी वास्तविक नहीं। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की थी अपनी चिंता, विदाई से पहले चुपके से लगवाई थी कोरोना की वैक्सीन। तुर्की में कोरोना केस में कमी आई, राष्ट्रपति ने कोरोना रिस्ट्रिक्शंस घटाए। वैक्सीन को लेकर विवादों में रहे ब्राजील के राष्ट्रपति का पसीना छूटा, अब उठाने पड़ रहे हैं लॉकडाउन जैसे सख्त कदम। भारत की वैक्सीन मैत्री की नकल कर रहा है चीन, अब इराक को भेजी वैक्सीन की पहली खेप। कनाडा में भारतीय वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को मिली मंजूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से मांगी थी वैक्सीन। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से अमेरिका ने खोली चीन की पोल, मिसाइलें रखने के लिए अंडरग्राउंड जगह बना रहा है। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी का बयान, कहा ट्रंप ने देश के इमिग्रेशन सिस्टम को ध्वस्त किया। म्यांमार में कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन, सेना ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। FATF के 3 नियमों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को बनाना पड़ सकता है कानून, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। पाकिस्तान में ईस्ट निंदा के आरोपी युवक को 5 साल के बाद मिली जमानत, 16 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ था। यात्री की तबीयत खराब होने के बाद इंडिगो फ्लाइट की कराची में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। नाइजीरिया में अगवा 279 छात्राएं रिहा हुई, बंदूकधारियों की खौफनाक कैद में गुजारे 4 दिन। सऊदी प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई का रिस्क नहीं लेंगे जो बाइडेन, किसी तरह का प्रतिबंध न लगाने का ऐलान। इंडोनेशिया में सिनाबंग ज्वालामुखी फूटा, वोल्केनो से धुएं का गुबार उठता देखा, करीब 5 किलोमीटर इलाके में फैली राख। एंटार्क्टिका में न्यूयॉर्क के आकार का एक आइसबर्ग टूटा, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है दरार वाला वीडियो। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा नहीं रहे अब चीन के सबसे अमीर व्यक्ति, चीन सरकार की जांच ने किया बुरा हाल। श्रीलंका के दूसरे कोलंबो पोर्ट टर्मिनल को बनाने में भारत करेगा मदद, जापान के साथ श्रीलंका का करार। मोदी सरकार को 6 साल में दूसरी बार मोदी सरकार में शुरू की टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी, पहले दिन 77,146 करोड़ की बोलियां लगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 73.37 रुपए। सेंसेक्स में 447 अंकों की तेजी, निफ्टी में 157 अंकों की बढ़त। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मोहाली में आईपीएल मैच नहीं होने पर हैरानी जताई, बीसीसीआई से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। पंजाब किंग्स 11 के मालिक नेस वाडिया ने भी बीसीसीआई से पूछा किस मापदंड से मोहाली को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। ऑल टाइम मेंस T20 वर्ल्ड कप 11 में एमएस धोनी और विराट कोहली शामिल, पाकिस्तान के भी 3 खिलाड़ियों को जगह मिली, विजन ने चुनी टीम। डेव स्टेन का चौंकाने वाला बयान, कहा आईपीएल में क्रिकेट पर नहीं बल्कि सिर्फ पैसे पर ध्यान दिया जाता है। इंडिया टीवी पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की भविष्यवाणी, 3-1 से इंग्लैंड को दूर जटाएगा भारत। पठान ने कहा पिच को लेकर जो माहौल बना हुआ है वो ज्यादा है, इस पर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। अजिंक्य रहाणे ने दिया अहमदाबाद पिच के आलोचकों को करारा जवाब, कहा चौथे टेस्ट में भी होगा टर्निंग ट्रैक। माइकल वॉन ने फिर उड़ाया अहमदाबाद पिच का मजाक, ऊबड़ खाबड़ पिच की तस्वीर अपलोड करके लिखा आखिरी टेस्ट की तैयारी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 131 पर सिमटी अफगानिस्तान, जवाब में जिम्बाब्वे ने 5 विकेट पर बनाया 133 रन। 2 साल बाद वेस्टइंडीज के लिए T20 क्रिकेट खेलते नजर आएंगे विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल। जैवलिन थ्रोअर संदीप चौधरी डोप टेस्ट में नहीं हुए शामिल, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की, 310 हफ्ते से नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अमिताभ बच्चन की आंख का ऑपरेशन हुआ ठीक होकर विकास बहल की फिल्म गुड बाय की शूटिंग शुरू करेंगे। और टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 दिसंबर में सिनेमाघरों में आएगी, 31वें जन्मदिन पर किया ऐलान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।